राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चलकर अब कश्मीर पहुंचने वाली है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी कांग्रेस पर दिखने लगा है। 6 जनवरी को कांग्रेस से अलग होकर खुद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी DAP बनाने वाले गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका लगा। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के 17 नेताओं ने साथ छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली। इसमें पूर्व डिप्टी CM तारा चंद और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद समेत वे नाम हैं जिन्हें गुलाम नबी आजाद का खास समझा जाता है। बीते साल जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अलग राह पर चलते हुए अलग पार्टी बनाई तो ये नेता भी उनके साथ चल गए थे। अब ये सभी फिर से पुरानी पार्टी में वापसी कर लिए हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद की भी वापसी होगी? क्यों गुलाम नबी के पुराने वफादार आजाद हो रहे हैं यानी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं? पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था, लेकिन क्या अब राहुल गांधी से पंगा लेना आजाद को महंगा पड़ेगा? इसी सवाल को आज इस पूरे वीडियो में समझेंगे। दरअसल कांग्रेस को छोड़ने वाले 17 नेताओं ने जब फिर से कांग्रेस का दामन थामा तो कांग्रेस में शामिल होते ही आरोप लगाया कि आजाद की पार्टी राज्य में सेकुलर वोटों का बंटवारा करके BJP को फायदा पहुंचाएगी। बीते साल जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अलग राह पर चलते हुए अपनी पार्टी बनाई तो ये नेता भी उनके साथ गए थे। अब ये सभी फिर से अपने पुराने कांग्रेस पार्टी में घर लौट आए हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जब वोटर उनके साथ हैं तो उनके पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर कोई चिंता नहीं है। गुलाम नबी आजाद का यह बयान कई नेताओं के पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद आया है। वे लोगों की समस्याओं को देखकर जम्मू कश्मीर आए थे, न कि नेताओं पर भरोसा करके। इस बात की चिंता नहीं है कि 10-12 नेता चले गए हों तो उन्हें इससे फर्क पड़ेगा। जब तक वोटर साथ हैं तब तक उन नेताओं की पार्टी छोड़ने पर चिंता नहीं करते हैं और आप लोग ही हमें नेता बनाते हैं, गुलाम नबी आजाद का ये बयान है। और उन्होंने आगे कहा कि मैं टिकट दूंगा और आप लोग नेताओं को विजयी बनाते हो उस समय आने दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन चुनाव जीतते हैं। जिन नेताओं ने मेरी पार्टी छोड़ी है उनको अपने विधानसभा क्षेत्रों में बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। वह जम्मू कश्मीर नेताओं पर भरोसा करने के लिए नहीं आए बल्कि आम लोगों के हितों के लिए आए हैं। वह लोगों की परेशानियां, गरीबी, बेरोजगारी को देखकर आए हैं। देश या जम्मू कश्मीर का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ का दौरा नहीं किया है और लोगों की मदद मैंने नहीं की है, गुलाम नबी आज़ाद का ये बयान है। लेकिन सवाल ये है कि उनके साथी और वफादार समझे जाने वाले उनसे दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या गुलाम नबी आजाद से घाटी की राजनीति को समझने में कोई भूल हुई है? आजाद की राजनीति को समझना है तो कश्मीर के प्रमुख मुद्दों पर उनकी राय को देखना बेहद जरूरी हो जाता है। चाहे वो जम्मू कश्मीर के लिए भावनात्मक रहे धारा 370 हो, राज्य का दर्जा हो, जमीन का अधिकार हो, रोजगार जैसे मुद्दे पर क्या सोचते हैं यह समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह 1970 के दशक के मध्य में कांग्रेस में शामिल हुए थे और पार्टी और सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंत्री भी रहे। 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित अपने त्याग पत्र में आजाद ने कहा था कि आप जानते हैं कि दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय श्री संजय गांधी से लेकर आपके दिवंगत पति सहित आपके परिवार के साथ मेरा बेहद करीबी रिश्ता था। वह भावना में आपके लिए भी मेरे मन में बहुत व्यक्तिगत सम्मान है जो हमेशा जारी रहेगा। आजाद का धारा 370 पर ढुलमुल रवैया भी रहा है। अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का फैसला किया तो आजाद कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सदस्य थे और सदन में विपक्ष के नेता भी थे। उस समय आजाद ने सदन में इस फैसले का जोरदार विरोध किया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद वे इस मुद्दे पर अलग बातें करते नजर आए। आजाद ने एक जगह बोलते हुए कहा कि धारा 370 बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि यह बुरी नहीं थी। कोई चीज जो 70 साल तक भारतीय संविधान का हिस्सा रही हो वो कैसे बुरी हो सकती है? वहीं साल 2022 के सितंबर में उनका एक बयान आया था जिससे समझने में आया कि आजाद 370 के मुद्दे से दूर ही रहना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी की तरह मैं वोट के लिए लोगों को बहकाऊंगा नहीं। धारा 370 को बहाल करने के लिए लोकसभा में लगभग 350 और राज्यसभा में 175 सीटें की जरूरत होगी। कांग्रेस के पास अभी 50 में से भी कम लोकसभा में सदस्य हैं। ऐसे में 370 बहाल करने का वादा झूठा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। जिस तरह से लोगों के बीच उनकी छवि बन रही है और लोगों के दिलों पर वो राज कर रहे हैं, उसे देखते हुए कांग्रेस से गए नेता का मन भी बदलता दिख रहा है। शायद यही वजह है कि कश्मीर के 17 नेताओं ने कांग्रेस का एक बार फिर से दामन थाम लिया है। आजाद ने कांग्रेस से 52 साल पुराना नाता तोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन किया। इतनी जल्दी पार्टी में फूट कैसे पड़ गई? अभी अभी तो उन्होंने पार्टी बनाई थी और अभी ही उनके नेता फिर से पार्टी छोड़कर दूसरे में चले गए। खुद गुलाम नबी आजाद के पास भी वापसी के अलावा कोई विकल्प बचा है क्या? इसे भी समझना जरूरी हो जाता है। अगर आप देखें तो वहां पर दो क्षेत्रीय पार्टी हैं। जम्मू कश्मीर में दो क्षेत्रीय पार्टी हैं जिनकी स्थिति काफी मजबूत है। कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी अब वहां कम से कम जम्मू के रीजन में तो कोशिश कर ही रही है। उसके अलावा वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। ऐसे में आजाद साहब ने वहां पर जाकर एक नई पार्टी बनाई, लेकिन देखना यह है कि उस पार्टी के लिए वहां अपने आप कितनी जगह निकलती है। कांग्रेस कितनी भी भली बुरी हो, कितनी भी मरी गिरी हो स्थिति में हो, लेकिन उसके पास अपना पुराना इतिहास तो है। फिर वहां पर उनको यह एहसास हुआ कि हमने जल्दबाजी में यह फैसला किया है और उन्होंने घर वापसी करना ठीक समझा। जो गुलाम नबी आजाद के नेता थे वो शायद ऐसा सोचे होंगे। चर्चा तो आजाद को लेकर भी है, लेकिन अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा। ये बात सच है कि जो DAP है, जो आजाद की पार्टी है, वहां के कई और नेता हैं जिनको आना है। आप अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी का आधार है, लेकिन घाटी में कश्मीर का जो इलाका है वहां पर बीजेपी के पास कोई एक चेहरा नहीं है। उस स्थिति में आजाद उनके एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं और मजबूत चेहरा तो बन ही सकते हैं। यह बात सही है कि आजाद और बीजेपी के संबंध भी अच्छे रहे हैं, जो आज नहीं तो कल बहुत पहले ही बात नजर आ चुकी थी। अगर आप देखें तो कांग्रेस के भीतर भी चर्चा थी कि उनको राज्यसभा से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रिटायरमेंट हो रहा था, तो खुद प्रधानमंत्री के लिए उनके विदाई भाषण में जिस तरह से कहा, तो उसको लेकर भी चर्चाएं हुई और दोनों भावुक भी हो गए थे। उसके बाद उनको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी पर दिखाई दी थी, जिस तरह से चर्चाएं चलती रही। लेकिन यह जो भी है, यह बहुत आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि अगर आजाद बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनको उनका जो सेकुलर इमेज है उस पर भी कहीं ना कहीं झटका लगेगा। और वो भले ही कश्मीर में हैं, आते हैं, लेकिन वहाँ जो अपने आप को घाटी के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना पसंद करते हैं, ऐसे स्थिति में क्या वे घाटी के लोगों के सामने बीजेपी का सहारा लेकर उनके कंधों पर सवार होकर बढ़ना चाहेंगे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा। इसलिए यह जल्दबाजी होगी कि क्या वो कांग्रेस में वापसी करेंगे या बीजेपी का दामन थामेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।